जमन आज मैं और शेरू जो है वो इस शो को होस्ट कर रहे हैं। तो शेरू तुसी कैसे हो? ठीक ठाक हो जी? अल्लाह ताला गाना शाना तो तुसी बहुत चंगा गाया। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। मेरी पंजाबी तुसी चेक कर रहे हो? बहुत इंप्रूवमेंट है। बहुत इंप्रूवमेंट है जी जी, बहुत चंगी हो गई हूँ। बहुत ही चंगी हो गई है। और तुसी जब आप बोलते हैं हाँ तो बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे। और आप भी जब ये छोटे बालों में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। आज शेरू ने मेरे कहने पे, शेरू यार है मेरा, आज शेरू ने मेरे कहने पे कोई 25 साल पुराने बाल कटवाए। जी बिल्कुल जी, लिटरली वी हैव दिस लॉन्ग हेयर। और आज मेरे कहने पे, और ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, लग रहे हैं ना? क्योंकि आज की बात है, जब आपने कहा कि ये कटवाने बाल, तो मैं कह रहा हूँ यार भाई को भूल जाए। अच्छा, जब शॉप पे पहुँचे मैंने कहा यार शॉप भी बंद हो, लेकिन शॉप भी खुली हुई थी। और जब मैं आंखें बंद कर बाल कट रहे हैं, उसके बाद जब मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा कि भाई सच्चे थे। नहीं, इट्स नाइस, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। आई एम एट द बैंक ऑफ दरिया जनाब। और या अच्छा लग रहा है, सही है ना? कौन सी कश्ती में जाना है? ये वाली। ओके ओके जी, ऑलराइट। ये पानी कितना गहरा है पता है? कुछ पता है? नहीं पता। ले अच्छा, आप देख सकते हैं पीछे एक गाय को क्या बोलते हैं, भैंस को क्या बोलते हैं? मज काओ नहा रही है। और काओ के साथ एक बच्चा नहा रहा है काओ के साथ। और इस पानी के अंदर क्या मैं नहा सकता हूँ? नहीं, क्यों? मैं डूब सकता हूँ? कितना गहरा है पानी? बहुत गहरा है। नहीं, लेकिन जमीन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि दिस इज लाइफ। यहाँ पर इट्स स्कॉर्चिंग हॉट, आई मीन इट्स, ये ऐसा हॉट है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यहाँ 3 दिन अगर आप रहें तो सारी जिंदगी आपका रंग ठीक नहीं होगा। लिटरली आई एम टेलिंग यू, इट इज अनबिलीवेबली हॉट। लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर पिकनिक मना, तुम लोग पिकनिक मनाने आए हो ना? यस यस। सो दिस इज व्हाट लाइफ इज। यहाँ फन के लिए इंसान क्या करता है? फन के लिए यहाँ पर आ जाता है दरिया चनाब के किनारे। और ये जो आप छोटी छोटी कश्तियां देख रहे हैं, इनके अंदर बैठ के इंसान वहां तक चला जाता है, हमारे ड्राइवर के बकौल रहीम साहब के, कि वो उससे छलांग निकाल के मार के उधर कहीं निकल सकते हैं। मुझे यकीन नहीं है इस बात का, लेकिन आई थिंक वो कर सकते हैं शायद। प्लीज मत करना, क्योंकि तुम्हारे सूखने के इंतजार में हम लोग यहाँ मजीद रुक नहीं सकते। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, लाइफ इज डिफरेंट। दरिया चनाब के किनारे लाइफ बहुत डिफरेंट है। मुल्तान से ये तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। सिर्फ आपसे मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, वो लोग जो यहाँ रहते हैं इनकी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ है। इनको भी वैसे ही पार्क्स मिलने चाहिए जो पार्क्स हमारे पास हैं, इनको भी वैसे ही फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, जो भी हमको देख रहा है, इन सब लोगों में ज़िंदगी को जीने का बहुत हौसला है। और ये हमसे कहते हैं कि मुमकिन ही सब कुछ है। क्या हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं? क्या हम गवर्नमेंट की तवज्जो इस बात पे दिला सकते हैं? आई डोंट नो व्हेयर माय शो इज गोइंग एक्चुअली, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ। बट ऑल आई नो इज कि ये प्यारे से चेहरे, अच्छे से चेहरे, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए, इन बच्चों के साथ होनी चाहिए। तुम लोग स्कूल जाते हो? Yes. सब जाते हो? Yes. तुमने चश्मा मेरी तरह पहना हुआ, क्या नाम है तुम्हारा? उसामा। तुम बड़े होके क्या बनोगे? जो नसीब में होगा। ये कौन सा जवाब हीरो वाला दिया तुमने? जो नसीब में होगा मतलब नहीं, कोई कुछ तो बनोगे ना? क्या सोच रहे हो, क्या क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, खिलाड़ी बनोगे, क्या बनोगे? डॉक्टर। एम ए डॉक्टर, मैंने बोल दिया तो डॉक्टर। 1 2 3 मुमकिन ही, थोड़ा जोर से, मुमकिन ही। वही वही पे कयामत है वो जिधर जाए, झुकी झुकी हुई नजरों से काम कर जाए, तड़प का छोड़ के रस्ते में और गुजर जाए, सितम तो ये है कि दिल ले ये और कर जाए।